बाबा इस साल कैसे क्या देख रहे हैं? कोविड है, कोविड की वजह से चारों ओर बंद है, लोगों को आने जाने का मना किया है। चारों ओर से किसी जगह से बंद नहीं है, चारों ओर से खुला हुआ है। ठीक है, और हम साधु 25 लाख हैं, इसमें से एक साधु को भी कोरोना नहीं हुआ है। ठीक है, और पूछो कोई बात तो तब बताएंगे। बाबा इस साल जो है मेला अगर देखा जाए तो मेला थोड़ा लोगों का आने जाने का, भीड़ को कम किया गया है, फिर जो यात्रा होता है ये सब अब सब बंद कर रहे हैं। हम बता देते हैं आपको, जो आपका डीएम कमिश्नर है उसने आदेश दिया है कि सारे नियम निभाना पड़ेंगे कोरोना के, लेकिन कोरोना बिल्कुल नहीं है। और जो हम विश्व शांति के लिए अखंड धूना जलाते हैं, ठीक है, हमारा नाम अंतर्राष्ट्रीय श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा महंत मोहन गिरी नाम है, जो ये कार्यक्रम हमारे नेतृत्व में हो रहा है। ठीक है, तो बाबा जो साधना कर रहे हैं कैसे क्या कर रहे हैं, कहां कहां से सब बाबा आए हैं यहां पे? हम बताते हैं आपको, हम बद्रीनाथ से आए हुए हैं, कुछ जूनागढ़ से आए हुए हैं, कुछ जो है हरिद्वार से हैं, वो काशी से हैं, सारे जगह से हैं, पूरे हिंदुस्तान से आए हुए हैं, नांगा एक एक जगह से, बहुत दूर दराजों से नांगा आए हुए हैं। और तो सब कुंभ मेला में क्या कैसे रहे, जैसे कुंभ मेला की बात किया जाए और खंडगिरी मेला में क्या अंतर क्या देखते हैं? अंतर ये तो साधुओं का सत्संग है इधर, और जो कुंभ मेला होता है उसकी बहुत बड़ी उपमा होती है। और खंडगिरी मेला ये जो आए हैं खंडगिरी मेला में क्या कैसे क्या लग रहा है कैसे? आप तो पहली बार बहुत बार भी आए, बहुत बार आ चुके हैं आप, तो इस बार फिर से आए हैं, तो क्या बोलना चाहेंगे? हम ये बोलना चाहते हैं इसके मामले में कि जो है आप लोगों के पास में जो विचार नहीं है, जो आपके अंदर सनातन धर्म की जो है आप हास होता जा रहा है, उस धर्म को हम फिर से जागृत करने चल रहे हैं और उसको जागृत करके ही रहेंगे हम लोग।